वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों में सेफ होंगे। प्यारे लग रहा है। मैं आई हुई थी यहाँ पर नर्सरी रोज की तलाश में, लेकिन यहाँ मुझे मिला नहीं। और बस फिर उसके बाद हम लोग घर चले गए थे। शाम का टाइम है, मैं अपने व्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ शाम से। घर आने के बाद चाय वगैरह बनाई और समोसे लेते हुए आ गए थे, समोसे खाए और जो है बस फिर बैठ के थोड़ी सी बातें की। आजकल जो है ना, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए मैंने काफ़ी दिन बाद जो है वो व्लॉग बना रही हूँ। बाहर से कुछ भी लेकर खाने का ना दिल नहीं चाह रहा अभी बिल्कुल भी, क्योंकि मक्खियों का मौसम आया हुआ है। हर जगह जहाँ जाओ ना वहाँ मक्खियाँ नज़र आती हैं, तो फिर खाने का जो है ना अजीब सी घिन आ जाती है देख कर। तो एक बेकरी हमें दिख गई थी अच्छी साफ सुथरी, तो फिर हमने वहाँ से समोसे ले लिए थे क्योंकि बच्चों का दिल चाह रहा था, तो फिर इसलिए। और घर आ गए उसके बाद, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है अब और सन्नाटा हो जाता है सब जगह, और जो है सारी दुकानें वगैरह सब बंद हो जाती हैं, तो हम लोग जल्दी ही वापस घर आ गए थे। सिर्फ नर्सरी जाना था और बस फिर इतनी बोर हो रहे थे हम लोग सब, तो फिर हम लोग ने बोला चलो चलते हैं बाहर। बस फिर जल्दी बाहर आ गए थे और मैं गोश्त जो है वो भिगो के रख के चली गई थी आके, मैंने बस वो उबालने चढ़ाया और फिर मैं ड्रामा देखने लग गई थी अपना फेवरेट फितूर। और जो है यहाँ जो है वो गोश्त हमारा गल चुका है, मैंने टमाटर और जो है अदरक लहसुन नमक ये सारी चीज़ें डाल के इसको उबालने के लिए गलने के लिए रख दिया था। अब जब ये गल गया तो अब मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल डालने के बाद ये क्या बना रही हूँ मैं पता नहीं क्या बना रही हूँ। और जब रखा था गलने के लिए तब तक तो पता नहीं था कि क्या बना रही हूँ। अब मैंने सोचा कि कढ़ाई बना लेती हूँ और अब मैंने इसमें मसाला डाल दिया है। मसाला डालने के बाद इसको मैं भून लूँगी। भूनने के बाद अब मैं इसमें दही ऐड कर दूँगी और दही ऐड करने के बाद इसको 5 मिनट तक अच्छे से भुनाई करूँगी इसकी। और भुनाई करने के बाद इसमें फिर मैं हरी मिर्चें ऐड कर दूँगी। हरी मिर्चें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, चाहे कोई भी सालन हो कोई भी चीज़ हो उसमें हरी मिर्चें ज़रूर डालती हूँ मैं। मैंने जो है कुछ जो है वो गोल गोल काट ली थी और कुछ बीच में से कट लगा के अलग कर ली थी, और अब मैंने इसमें हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं। हरी मिर्चें ऐड करने के बाद मैं इसको ढक दूँगी ताकि ऑयल जो है वो इसका साइडों में आ जाए 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पे, और उसके बाद जो है ढक दूंगी इसे। अब मैं कढ़ाई में ऑयल जो है ना ज़्यादा डलता है, लेकिन मैंने आज थोड़ा कम डाला था इसमें। बस अब 2 से 3 मिनट हो गए और अब मैं इस पर अदरक और क्या डालूंगी, अदरक और हरा धनिया। ये वाला पार्ट जो है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब सालन जो है वो बन के तैयार हो जाता है और ऊपर से धनिया डालते हैं, अदरक डालते हैं, या दाल होती है दाल में तड़का लगता है या कढ़ी में तड़का लगता है, उसकी तो आवाज़ मुझे इतनी अच्छी लगती है छन करके। उसकी आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पर अब मैं आहिस्ता आहिस्ता धनिया डाल रही हूँ, ये देखे कितनी नज़ाकत के साथ में धनिया डाल रही हूँ। और यहाँ हमारी कढ़ाई जो है वो तैयार हो गई है, ये देखें जी, ये है इसकी फाइनल लुक। और बहुत मज़े की बनी थी ये, मैं मटन की बनाई है मैंने मटन कढ़ाई, और साथ जो है हमने वो ये मंगा लिए थे तिल वाले नान, या पता नहीं कुछ लोग इसको कुलचे कहते हैं कुछ लोग इसको तिल वाले नान कहते हैं। जब भी मैं कोई सी भी कढ़ाई बनाऊँ ना, चिकन कढ़ाई, बीफ कढ़ाई, मटन कढ़ाई, वो मैं इसी के साथ खाती हूँ। तो बस
बस फिर खाना वगैरह खा के हम लोग आ गए थे पार्क, और यहाँ मेरे बच्चे जो हैं वो मस्त हुए हैं खेल में। बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। पार्क में बैठे थोड़ी देर और बस फिर घर चले गए थे। दिल घबरा रहा था आज बहुत ज़्यादा घर में, तो हमारे घर के सामने यही पार्क, वैसे कभी भी नहीं आके बैठते। आज मैंने सोचा कि चलते हैं बैठते हैं थोड़ी देर। अगर मेरा व्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।